नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इन्फिनिटी ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप डिजिटल ओशन के अंदर लोड बैलेंसर का यूज़ कर सकते हो। तो ये सब के बारे में जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल इन्फिनिटी ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज मैं आपको पूरी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अंदर सिखाने वाला हूँ कि डिजिटल ओशन के अंदर जो लोड बैलेंसर का ऑप्शन आता है, इसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको देखेगा लोड बैलेंसर। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो लोड बैलेंसर है वो क्या है और किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपको कैसी जो पोजीशन के अंदर इसका यूज़ करना चाहिए। तो मान लीजिए मेरे पास एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है। अब देखिए, आपको पता है कि अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट बहुत ही बड़ी वेबसाइट है, तो वो लोग भी अपने बैकएंड के अंदर, सर्वर के अंदर इस प्रकार के लोड बैलेंसर का यूज़ करते हैं। आपको पता होगा कि जो फ्लिपकार्ट है या तो अमेज़ोन, वो बार बार जो फ्लैश सेल लेकर आते हैं, जिसके अंदर आपको जो कुछ ही टाइम के लिए मोबाइल मिलते हैं। तो आप अज्यूम कीजिए कि इस टाइम के ड्यूरिंग अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर कितने जो यूज़र आते हैं और किस तरह से वो जो सभी ट्रैफिक को मैनेज करते हैं। तो इसी काम के लिए जो लोड बैलेंसर बना है, आपके साइट के अंदर एक ही साथ अगर जो कुछ टाइम के लिए ट्रैफिक आता है, तो आप लोड बैलेंसर का यूज़ करके जितने भी ट्रैफिक हो मिलियन में, आप इसको आसानी से मैनेज कर पाओगे। अब देखिए, लोड बैलेंसर का मतलब ये है कि आपके जो बैकएंड के अंदर आपके पास दो सर्वर हो गए, लेकिन राउंड रोबिन एल्गोरिथम की मदद से आपके सर्वर के अंदर ओड और इवन में जितने भी जो यूज़र आएंगे वो आएंगे। मान लीजिए जो एक ब्राउज़र के अंदर मैंने वेबसाइट यहाँ पर ओपन किया, तो वो एक सर्वर के अंदर ओपन होगा जो पहला वाला सर्वर है। इसके बाद सेम वेबसाइट को मैं दूसरे ब्राउज़र के अंदर ओपन करता हूँ, तो दूसरी बार राउंड रोबिन एल्गोरिथम की मदद से ये वेबसाइट सर्वर नंबर टू के अंदर, ये यूज़र सर्वर नंबर टू के अंदर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो इसके मदद से आपके साइट के अंदर जितना भी ट्रैफिक आता है, मिलियन ट्रैफिक, आसानी से आप इसे मैनेज कर पाओगे विथ लोड बैलेंसर। तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन है ई कॉमर्स की, bloggercart.com। अब देखिए, कंप्लीट वेबसाइट अभी रनिंग मोड में है। मान लीजिए ये वेबसाइट जो पॉपुलर हो गई और इसके ऊपर बहुत ही सारा ट्रैफिक आता है और इसके अंदर मैं किसी भी प्रकार का फ्लैश सेल ऑर्गेनाइज करता हूँ, जैसे कि ये मोबाइल का मैंने फ्लैश सेल ऑर्गेनाइज किया, तो डेफिनेटली मैं जिस प्रकार का टाइम दूंगा यूज़र को, यही टाइम के ऊपर ये साइट के अंदर बहुत ही सारा ट्रैफिक आएगा। तो अगर इसको मुझे हैंडल करना है, तो मुझे जो डिजिटल ओशन के अंदर लोड बैलेंसर का यूज़ करना पड़ेगा। इसके अंदर मुझे ये वेबसाइट को सेटअप करना पड़ेगा, इसके बाद आसानी से मैं जितना भी ट्रैफिक आए इसको मैं हैंडल कर पाऊँगा। तो डिजिटल ओशन के अंदर लोड बैलेंसर ऐड करने के लिए आपके पास डिजिटल ओशन का अकाउंट होगा, इसके अंदर आपका सर्वर एक्टिव होगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पर जो अभी साइट आपके सामने ओपन है bloggercart.com, ये डिजिटल ओशन के अंदर होस्ट है, और जो मैं आपको देखा था सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन कि ये सर्वर के अंदर अभी 8 GB रैम है और यहाँ आपको देखा जाएगा 116 GB इसका डिस्क है। तो अब देखिए, मुझे क्या करना है कि मुझे दो सर्वर बनाने हैं 8 GB के, यानी कि मेरे पास टोटल होगा 16 GB। ये जितने भी जो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन है, इसको मुझे डिवाइड करके राउंड रोबिन एल्गोरिथम की मदद से जो ओड और इवन में जितने भी विजिटर आते हैं वो मेरे सर्वर के अंदर आने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ताकि आपको समझ में कि हम किस तरह से लोड बैलेंसर का यूज़ करेंगे। तो आपके सामने वेबसाइट ओपन है bloggercart.com। ये डिजिटल ओशन के अंदर होस्ट है, लेकिन साथों साथ क्लाउडफ्लेयर के अंदर भी कनेक्टेड है। तो जैसे हम लोड बैलेंसर को जो यूज़ करेंगे, तभी हम इसके अंदर हमारा जो मेन IP होगा इसका यूज़ करेंगे, ताकि ऑटोमेटिकली हमारा जो ट्रैफिक है वो अलग अलग सर्वर में डिवाइड होता रहेगा। या तो डायरेक्टली आप अपने डिजिटल ओशन के अंदर विदाउट क्लाउडफ्लेयर भी यूज़ कर सकते हो लोड बैलेंसर का। इस केस में आपका जो लोड बैलेंसर होगा, इसके अंदर आपको मेन डोमेन कनेक्ट करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रैफिक डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और हम यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको लोड बैलेंसर का यूज़ करना है। सबसे पहले तो देखिए, लोड बैलेंसर क्रिएट करने से पहले आपके पास दो सर्वर होने चाहिए सेम, यानी कि इसके अंदर जो इसका डेटा होगा वो सेम होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर आपको देखा जाएगा 8 GB वाला सर्वर मेरे पास ऑलरेडी है, एक और सर्वर मैं आपको यहाँ पर बनाकर देखूँगा, यानी कि डिजिटल ओशन के अंदर इसको ड्रॉपलेट कहते हैं। तो मैं क्लिक करूँगा ड्रॉपलेट के ऊपर, इसके बाद यहाँ पर एक न्यू ड्रॉपलेट हम बनाएंगे
और इसके अंदर ये जो मेरा कंप्लीट वेबसाइट है वो मुझे फिर से अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सर्वर के अंदर सेम आपको इन्फॉर्मेशन और डाटा रखना है ताकि यूज़र है इसको ओड और इवन में एक्सेस कर सके इसके ब्राउज़र के अंदर विथ डिजिटल ओशन लोड बैलेंसर। तो यहाँ पर सिंपल हम क्या करेंगे, उबंटू सर्वर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम मैक्सिमम जो इसकी प्राइस है इसको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ट्रैफिक आपके सर्वर के अंदर ज़्यादा आएगा तो ही आप इसको यूज़ करोगे। आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पर जो इसका 10-10 वाला दो प्लान चूज़ करना तो भी कर सकते हो, इसके बाद 20 वाला दो प्लान ये भी चूज़ कर सकते हो। ये आपकी साइट के ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी वेबसाइट के अंदर अचानक कितना ट्रैफिक आता है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, जो हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो वेबसाइट बहुत ही बड़ा ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो यहाँ पर मैं चूज़ करूँगा 8 GB वाला प्लान। इसके बाद हम नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको आपका सर्वर का लोकेशन चूज़ करना है, मैं पहले वाले रहने दूंगा। इसके बाद यहाँ पर प्राइवेट नेटवर्किंग, IPv6 और मॉनिटरिंग को हम एनेबल करेंगे, क्योंकि ये सभी प्रकार के फीचर डिजिटल ओशन के अंदर बिल्कुल फ्री है। इसके बाद यहाँ पर होस्ट नेम के अंदर हम लिखेंगे ब्लॉगर कार्ट, इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 1, क्योंकि ब्लॉगर कार्ट ऑलरेडी हमारे जो डिजिटल ओशन के अंदर अवेलेबल है, सर्वर नंबर 1, और ये जो अब क्रिएट होगा वो होगा सर्वर नंबर 2। इसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्रिएट ड्रॉपलेट के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर हमारा सर्वर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। डिजिटल ओशन का एक ईमेल आया होगा आपके जीमेल के ऊपर, जिसके अंदर आपका टेम्पररी पासवर्ड होगा। तो ये जो आपका दूसरा सर्वर होगा इसको भी आपको सेम कॉन्फ़िगर करना है जो आपका पहले वाला, यानी कि ब्लॉकर कार्ड है। इसके अंदर आपको सेम डाटा ऐड करना है, सेम वेबसाइट अपलोड करनी है, तो ही आपका जो लोड बैलेंसर के अंदर परफेक्टली वर्क करेगा। तो यहाँ पर मैं इसका आईपी कॉपी करूँगा। इसके बाद ओपन करेंगे हम पोटी का यूज़ करके आपको ये सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पर मैं यस पे क्लिक करूँगा, सिंपल इसको हम रूट लिखकर ओपन करेंगे। तो यहाँ पर ये टेम्पररी पासवर्ड मांगेगा, इसको यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। इसके बाद आपको एक और बार आपका पासवर्ड ऐड करना है, यहाँ पर आपको आपका न्यू पासवर्ड चूज़ करना है, जो भी आप रखना चाहते हो वो यहाँ पर आप रख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली सेट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये सर्वर को कन्फिगर करेंगे। तो हमारी साइट के ऊपर जो एक आर्टिकल ओपन है, हमारी साइट के अंदर एक आर्टिकल अवेलेबल है डिजिटल ओशन का, तो इसका यूज़ करके हम अपाचे सर्वर को इसके अंदर सेटअप करेंगे। अब देखिए, कंप्लीट सर्वर को हम यहाँ पर कन्फिगर नहीं करेंगे, तो वरना ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो सिंपल, सबसे पहले हम सर्वर के अंदर अपाचे को इंस्टॉल करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम फायरवॉल को सिंपल कन्फिगर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने नए सर्वर के अंदर अपाचे को कन्फिगर करके फायरवॉल सेटअप कर दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल डिजिटल ओशन में जाके सर्वर 2 है इसकी आईपी को हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा कि अपाचे का जो डिफॉल्ट पेज होता है वो आपको दिखाई देगा, देखिए ये ओपन हो चुका है। अब हमें करना क्या है कि ये जो कंप्लीट वेबसाइट है जो सर्वर नंबर 1 पर है, यानी कि ब्लॉगर कार्ड के ऊपर है, इसको हमें सेम वेबसाइट को नए सर्वर के अंदर भी होस्ट करना पड़ेगा। इसके बाद जाके जो हमारा लोड बैलेंसर है वो परफेक्टली वर्क करेगा, यानी कि जब भी आप रिफ्रेश करोगे तो ओड और इवन में आपका जो सर्वर है, यानी कि इसका आईपी चेंज होता रहेगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये कंप्लीट वेबसाइट है इसको हम ये नए सर्वर के अंदर अपलोड कर देते हैं। सिंपल फाइलजिला का हम यूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सर्वर नंबर 2 की आईपी कॉपी करके हम फाइलजिला के अंदर लॉगिन करेंगे। यहाँ पर रूट, इसके बाद पासवर्ड, पोर्ट नंबर 22 और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर इसके बाद रूट है वहाँ पर वेयर और WW के अंदर आपका HTML फोल्डर होगा, वहाँ पर सिंपल ये जो नया कंप्लीट वेबसाइट है हमारा ब्लॉगर कार्ड, इसको हमें अपलोड करना है। ये रहा हमारा HTML, इसके अंदर हम जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये फाइल को यहाँ से हम डिलीट करेंगे। अब इसके अंदर जो कंप्लीट वेबसाइट हमारा है इसको हम अपलोड करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी डेस्कटॉप के ऊपर मैंने इसकी यहाँ पर ये कंप्लीट साइट का बैकअप लेकर रखा है जो ब्लॉकर कार्ड के अंदर अभी लाइव है, तो इसको हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखा देगा सिंपल डेस्कटॉप के ऊपर HTML और ये जितना भी फाइल है इसको हम न्यू सर्वर के अंदर अपलोड कर देंगे।
तो यहाँ पर हमारा सभी डेटा न्यू सर्वर के अंदर सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर हम जाते हैं और ये आईपी को रिफ्रेश करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि जो पुराना यहाँ पर अभिषेक का डिफॉल्ट वेब पेज था, इसकी जगह जो एक ई कॉमर्स का वेबसाइट हमारा ऑलरेडी ओपन है ब्लॉकर कार्ड के अंदर, वो यहाँ पर अब ओपन हो गया है। देखिए आपको यहाँ पर देखा जाएगा ये आईपी की मदद से, तो दो सर्वर के अंदर सेम वेबसाइट हो गया है। अब हमें करना क्या है, लोड बैलेंसर की मदद से जब भी कोई विजिटर ये साइट को ओपन करेगा तो अलग अलग सर्वर के अंदर जाना चाहिए। ये ब्राउज़र के अंदर ओपन करूँगा तो सर्वर नंबर 1 रहेगा, दूसरे ब्राउज़र के अंदर मैं ओपन करूँगा तो सर्वर नंबर 2। इसी तरह से जितनी भी जो आपकी पूरे वर्ल्ड वाइड ट्रैफिक आती है, इसमें से जो आपका ट्रैफिक ऑटोमेटिकली अलग अलग सर्वर के अंदर डिवाइड हो जाएगा। ये लोड बैलेंसर के हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ, जो वेबसाइट के अंदर एक्चुअली होता क्या है कि मान लीजिए आपके सर्वर की कैपेसिटी है जो यहाँ पर 1000 लोगों की, 1000 लोग अगर आपके सर्वर के अंदर आते हैं तो चल जाता है, लेकिन मान लीजिए अचानक आपके सर्वर के अंदर 2000 लोग आ जाते हैं तो आपका सर्वर डेफिनेटली डाउन हो जाएगा। तो लोड बैलेंसर का काम ही यही है कि अगर आपके बैकएंड के अंदर दो सर्वर आपने यूज़ करके रखे तो ऑटोमेटिकली दोनों सर्वर के अंदर 1000 लोग 1000 लोग सेट कर देगा, तो आपका ट्रैफिक हैंडल हो जाएगा और आपका सर्वर कभी डाउन नहीं होगा। और ये लोड बैलेंसर का यही मेन काम है। तो काफ़ी सारे जो बड़े बड़े वेबसाइट के ओनर हैं इसका वो यूज़ करते हैं और अच्छी तरह से अपने ट्रैफिक को हैंडल करते हैं। तो हमारे जो न्यू सर्वर के अंदर वेबसाइट का डाटा आ चुका है, तो इसके बाद आपको करना क्या है कि ये जो सर्वर है यानी कि सर्वर नंबर 1 और सर्वर नंबर 2, ये दोनों को कनेक्ट करना है विथ लोड बैलेंसर। तो आपकी वेबसाइट जब भी कोई विजिटर विजिट करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रैफिक डिवर्ट होता रहेगा ये दोनों सर्वर में। अब आपको किस तरह से लोड बैलेंसर बनाना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल आपको डिजिटल ओशन के अकाउंट में लॉगिन करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, इसके बाद आपको लोड बैलेंसर के ऊपर क्लिक करना है। डिजिटल ओशन के अंदर अगर आप लोड बैलेंसर का यूज़ करते हो तो आपको जो डॉपलर का चार्ज तो आपको देना ही, लेकिन साथों साथ आपको लोड बैलेंसर का एवरी मंथ $10 पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसके बाद आपको आपका जो लोड बैलेंसर है इसका आपको रीज़न महसूस करना है, ये आप कहाँ पर कौन से सर्वर के अंदर आपका जो लोड बैलेंसर है वो रखना चाहते हैं। यहाँ पर हम सेम महसूस करेंगे जो हमारा ओरिजिनल सर्वर दोनों है वहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए, अगर आप यहाँ पर क्लाउडफेयर का यूज़ करते हो तो आपको ये रूल्स के अंदर किसी भी प्रकार के रूल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो HTTPS यानी कि सर्टिफिकेट है SSL वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्लाउडफेयर के अंदर से आता है, तो आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का रूल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो मैन्युअली अगर क्लाउडफेयर का यूज़ नहीं करते और आपको सर्टिफिकेट वगैरह ऐड करना है या तो आपने ऐड करके रखा है तो आपको यहाँ पर से न्यू रूल के ऊपर क्लिक करके HTTPS वगैरह यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो लोड बैलेंसर है वो प्रॉपरली वर्क करेगा। लेकिन अगर आपको लोड बैलेंसर का यूज़ ही करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप क्लाउडफेयर का यूज़ कर लीजिए, आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर करके रखा है। इसके बाद हम नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको सेटिंग के अंदर किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं करना है, और मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था राउंड रोबिन एल्गोरिथम के बारे में जो बाय डिफॉल्ट आपके ट्रैफिक को डिवाइड करता रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जो आपका लोड बैलेंसर है इसका नाम आपको यहाँ पर देना है, तो यहाँ पर रखेंगे ब्लॉकर कार्ड यानी कि BKRT। इसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, क्रिएट लोड बैलेंसर के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारा लोड बैलेंसर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर सिंपल आपको करना क्या है, आपके जो ड्रॉपलेट आपने बनाया यानी कि दो सर्वर हैं इसको इसके अंदर ऐड करना है। तो नीचे जाना है, वहाँ पर ऑप्शनों का सूजर ड्रॉपलेट इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है बी, तो आप ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा ब्लॉकर कार्ड, तो आपको यहाँ पर ब्लॉकर कार्ड सेलेक्ट करना है, ब्लॉकर कार्ड सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिर से आपको बी लिखना है तो ऑटोमेटिकली ब्लॉकर कार्ड 1 आ जाएगा। ये दोनों सर्वर है, दोनों ड्रॉपलेट को आपको लोड बैलेंसर के अंदर ऐड करना है। इसके बाद आपको ऐड ड्रॉपलेट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका स्टेटस जब चेंज होगा इसके बाद आपको आगे की प्रोसेस करनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारे दोनों सर्वर अब रेडी हैं लोड बैलेंसर के अंदर वर्क करने के लिए। तो आपको अब इसका किस तरह से यूज़ करना है, सिंपल आपको ये जो आपका आईपी एड्रेस है लोड बैलेंसर का आईपी एड्रेस, अब आपको इसका यूज़ करना है। तो ये आईपी कॉपी करने के बाद हमें जाना पड़ेगा क्लाउडफ्लेयर के अंदर, वहाँ पर हम क्या करेंगे वेबसाइट के अंदर जाके DNS के अंदर जाके जहाँ पर जो पहले हमने
ओल्ड हमारा सर्वर था यानी कि ब्लॉगर कार्ड सर्वर, इसका आईपी था, वहाँ पर आपको अब लोड बैलेंसर का आईपी पेस्ट करना है इस तरह से। इसके बाद सिंपल आपको ये जो आपका रिकॉर्ड है वो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद चेंज हो जाएगा। तो जब तक आपका रिकॉर्ड चेंज होता है तब तक आपको वेट करना है। वेट करने के बाद आपको चेक करना है कि आपका जो वेबसाइट है वो भी रनिंग मोड में है या नहीं। तो जैसे जो आपका आईपी चेंज होगा आपके डोमेन के अंदर, तो ऑटोमेटिकली आपका जो लोड बैलेंसर है वो वर्किंग मोड में आ जाएगा और जो आपके दोनों सर्वर है वो एक ही साथ यूज़ होने लगेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर वेट करते हैं। इसके बाद आपको वेट करने के बाद आपको चेक करना था, प्राइवेट विंडो में चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी हम चेक कर लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पर ब्लॉगर कार्ड। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये सक्सेसफुली जो हमारा वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर मान लीजिए जब भी मैं रिफ़्रेश करूँगा, जैसे कि मैंने एक बार यहाँ पर रिफ़्रेश किया, तो जो दूसरी बार आपका वेबसाइट ओपन होकर आया वो सर्वर नंबर 2 के अंदर होगा, वो आया। अब मैं यहाँ पर फिर से रिफ़्रेश करूँगा तो ये सर्वर नंबर 1 से आया। इसको हमें किस तरह से चेक करना है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है ऑफर जोन टॉप डील डिस्काउंट, वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सर्वर नंबर 1 और सर्वर नंबर 2, तो कि आपको ताकि आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये जो वेबसाइट है वो लोड बैलेंसर के अंदर वर्क करी है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हमें यूज़ करना पड़ेगा फाइलजिला। तो यहाँ पर सर्वर नंबर 2 तो हमारे पास ऑलरेडी ओपन है, एक बार हम इसका स्टेटस यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं। तो सर्वर नंबर 2 है यानी कि ब्लॉगर कार्ट 1 है, वो हमारे सामने सक्सेसफुली रिफ्रेश होकर ओपन हो जाए। इसके बाद हम एक न्यू टैब ओपन करेंगे और इसके अंदर हम कनेक्ट करेंगे सर्वर नंबर 1 को, और इसके अंदर हम दोनों के अंदर एक एक चेंजेस करेंगे जो इसकी मेन इंडेक्स फाइल है। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि जो सक्सेसफुली हमारे लोड बैलेंसर के अंदर हमारा वेबसाइट वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर फाइल के अंदर जाएंगे, हम न्यू टैब के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिजिटल ओशन के अंदर जाके सर्वर नंबर 1 यानी कि ये आईपी को हम कॉपी करेंगे, यहाँ पर इसको हम पेस्ट करेंगे, रूट पासवर्ड और पोर्ट नंबर आपका 22 और कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये कनेक्ट नहीं हो रहा, तो सिंपल हम क्या करेंगे, फाइलजिला को सबसे पहले क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर सर्वर नंबर 1 ओपन हो चुका है, फाइल में जाएंगे, न्यू टैब के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर दूसरा सर्वर भी कनेक्ट हो चुका है। ये है सर्वर नंबर 1, इसके अंदर हमें जाना है। इसके बाद वेयर www के अंदर हम जाएंगे और वहाँ से जो html फोल्डर होगा इसके अंदर से हमें जो index.html फाइल है इसके अंदर हमें चेंजेस करना है। तो ये रहा हमारा html फोल्डर। इसके बाद यहाँ पर हम डेस्कटॉप ओपन करेंगे, यहाँ से ये रहा index.html डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा index.html एडिट विथ नोटपैड +++। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारी साइट के अंदर यहाँ पर लिखा है ऑफर जोन डिस्काउंट, इसको यहाँ पर कॉपी करके सिंपल हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर फाइंड करके रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये जो हमने यहाँ पर मैच चुका है, तो यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया है ऑफर डिस्काउंट वाला, तो इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे सर्वर, इसके बाद नंबर 1, तो इसको हम सेव कर लेते हैं। इसके बाद जाएंगे इसको रिफ्रेश करके फिर से हम अपलोड कर देंगे। तो अब क्या होगा कि जब भी लोड बैलेंसर है वो सर्वर नंबर 1 को लोड करेगा, तो हमें पता चलेगा कि ये जो कंप्लीट वेबसाइट है वो अभी आ रहा है सर्वर नंबर 1 के अंदर से। इसके बाद सेम वे में ये फाइल अभी एडिट मोड में है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे सर्वर नंबर 2 और इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे और ये फाइल हम रिफ्रेश करके दूसरे सर्वर के अंदर अपलोड कर देंगे। ये रहा हमारा दूसरा सर्वर, यहाँ पर हमें जाना पड़ेगा वेयर के अंदर, इसके बाद www और html और एंटर। इसके बाद यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर जो हमारा html फाइल रखा है हमने यानी कि index.html, इसको अपलोड करना है। तो अब ये फाइल जाएगा सर्वर नंबर 2 के अंदर। तो यहाँ पर फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर हमें पता चलेगा कि जब भी हम साइट को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर जो ऑफर जोन टॉप डील्स लिखा है वहाँ पर क्या आएगा, सर्वर नंबर 1, सर्वर नंबर 2, इस तरह से। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज होता जाएगा। यहाँ पर भी जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो एक बार कंप्लीट वेबसाइट ब्लॉगर कार्ट के अंदर से लोड होकर आएगा और दूसरी बार रिफ्रेश करेंगे तो ब्लॉगर कार्ट 1 के अंदर से। तो मतलब कि ट्रैफिक हमारा डिवाइड हो जाएगा, एक बार विजिटर आएगा सर्वर नंबर 1 के अंदर और दूसरा विजिटर जो आएगा वो आ जाएगा सर्वर नंबर 2 के अंदर।
तो इस तरह से अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ब्राउज़र के अंदर हमारे पास वेबसाइट ओपन है इसको हम रिफ़्रेश करेंगे। तो जैसे हमने रिफ़्रेश किया तो आपको यहाँ पर देखे देगा कि सर्वर नंबर 1 लिखा, यानी कि जो सर्वर नंबर 1 है हमारा वहाँ पर से कंप्लीट वेबसाइट लोड होकर आया है। और ये सबसे पहला विजिटर सर्वर नंबर 1 के अंदर गया है। अब यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए जैसे मैंने रिफ़्रेश किया तो यहाँ पर आपको देखे देगा कि ये अब जो दूसरा विजिटर है वो चला गया सर्वर नंबर 2 के अंदर से। इसी तरह से अगर आप ब्राउज़र भी चेंज करोगे या तो डिवाइस भी चेंज करोगे, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, अब देखिए ये मैंने यूआरएल जो कॉपी किया है वो मैं ये वाले ब्राउज़र के अंदर जाके पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो मान लीजिए आपके साइट के अंदर ट्रैफिक आया यानी कि यूज़र आया, तो अब यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली जो एल्गोरिथम के मुताबिक ये जो यूज़र है वो गया सर्वर नंबर 1 के अंदर। तो इस तरह से आप डिजिटल ओशन के अंदर जो लोड बैलेंसर का यूज़ कर सकते हो। मैंने बने इतनी कोशिश की है कि आपको लाइव एग्जांपल देकर सिखाऊं, इसलिए मैंने जो पहले से ही काफ़ी सारा हार्डवर्क किया था कि इसके अंदर एक सर्वर सेटअप किया, इसके बाद क्लाउडफ्लेयर के अंदर ऐड किया सब कुछ, इसके बाद मैंने आपको लाइव सब कुछ दिखाया है। जैसे जैसे आप रिफ्रेश करोगे आपका सर्वर ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। तो अब मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर एक दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसके सर्वर चेंज होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर ये है सर्वर नंबर 1, सर्वर नंबर 2। तो हम क्या करेंगे कि सर्वर नंबर 2 के अंदर से इसका जो index.html फाइल है इसको ही डिलीट कर देंगे। तो आपको और पता चलेगा कि एक्चुअली यहाँ पर जो ये दोनों सर्वर है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर चेंज होते हैं, यानी कि लोड बैलेंसर हमारा वर्किंग मोड में है। तो यहाँ से index.html फाइल डिलीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा तो सबसे पहले तो देखिए जैसे रिफ्रेश किया तो देखिए आपको देखा देगा कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर ब्लैंक फाइल आ गई, इसका मतलब कि इसके अंदर कहीं जो index.html फाइल ही नहीं है, तो क्योंकि हमारा जो सर्वर है वो चेंज होता है। अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो साइट ओपन होगा, तो देखिए आपको देखा देगा कि जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो साइट ओपन हुआ, फिर से मैं रिफ्रेश करूँगा तो साइट ओपन नहीं होगा। इसका मतलब कि ऑटोमेटिकली हमारे सर्वर लोड बैलेंसर की मदद से चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह से आप डिजिटल ओशन के अंदर लोड बैलेंसर का यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप अपने जो लोड बैलेंसर है इसके अंदर आप दो ही सर्वर यूज़ कर सकते हो, आप इसके अंदर बहुत ही सारे सर्वर ऐड कर सकते हो। जैसे कि हम जाएंगे यहाँ पर लोड बैलेंसर के अंदर, वहाँ जाके आपको देखा देगा एड ड्रॉपलेट का ऑप्शन, इसके अंदर आप मल्टीपल बहुत ही सारे जो ड्रॉपलेट ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से आप जो मेलनेस ऑफ ट्रैफिक आता है आपके साइट के अंदर इसको हैंडल कर सकते हो, और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इसका आपको यूज़ करना चाहिए, एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए ताकि आपको जो ट्रैफिक है वो डिवाइड होता रहे। मान लीजिए आप जो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपके पास डिजिटल ओशन के अंदर 20 लोड वाला प्लान है तो इसको आप 10-10 में डिवाइड करके लोड बैलेंसर लगा लीजिए, तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा और आपका वेबसाइट बहुत ही स्पीड होगा और आपका वेबसाइट ही बहुत ही स्पीडी लोड होगा। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया हो कि डिजिटल ओशन के अंदर किस तरह से लोड बैलेंसर का यूज़ कर सकते हैं। अभी भी आपके मन में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के अंदर मुझे पूछ सकते हो, इसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।